One. One more. आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गुत्तू। इस वक्त हम नगरी के इलाके में मौजूद हैं और रास्ते की कंडीशन आपको दिखाना चाहेंगे। नगरी के रास्ते की हालत किस तरह की है, बहुत सारी परेशानियों का सामना यहां के लोगों को करना पड़ता है। जब खास करके बारिश आए तब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल सामने, ये डिग्री कॉलेज को जाता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को जाता है और कई सारे स्कूल इस रास्ते से बच्चे जो है गुजरते हैं, उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहीं के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। थोड़ा सा बताएं अपना नाम और कहाँ के आप रहने वाले हैं। मेरा नाम बीएन ठाकुर, मैं नागरी निवासी हूँ, वार्ड नंबर 17 का। तो किस तरह की दिक्कत आ रही है, जिस तरह की हम रास्ते की हालत देख रहे हैं, ये यहीं से भरत रोड तक बहुत परेशानियों का सामना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक हमने पूछा बहुत सारी दिक्कत आ रही है। वसीम साहब ऐसा है पूरे भरत रोड से लेके नगरी जे एंड के बैंक ब्रांच तक, क्या कहते हैं, ड्रेन भी ठीक है और मगर रास्ता डायलैपिडेटेड कंडीशन में, खस्ता हालत में है। ट्रैफिक इतनी हो चुकी, ट्रैफिक फ्लो इतना हो चुका है कि मतलब इधर उधर गुजरना बहुत मुश्किल हो चुका है। छोटे बच्चे हैं, डिग्री कॉलेज यहाँ एस्टेब्लिश हो चुका है काज 25-30 साल से, अब मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हो चुका है, जब बच्चे उधर घर जाते हैं पढ़ने, सुबह इतनी ट्रैफिक फ्लो होती है और रास्ता डायलैपिडेटेड कंडीशन में है, खस्ता हालत में है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द इस रास्ते को ब्लैक टॉप किया जाए। और ब्लैक टॉप कितनी बार हुआ 3 साल में, कोई 30 बार, लेकिन वो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। कम अज कम इसकी ये जो है लेयर चाहिए 6 इंच के बजाय 2 इंच भी नहीं, वो काला वो कोयला डाल देते हैं तो बस आंखों में धूल झोंक के वो भाग जाते हैं। कितने टाइम से इस तरह की परेशानी आपको आ रही है? सर ऐसा है, जे&के बैंक से लेके तो अजय ठाकुर के घर तक ड्रेन की कंडीशन भी डायलैपिडेटेड है, खस्ता हालत में। देख लीजिए बारिश का पानी सारा रास्ते में फैल जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, लेकिन कोई नहीं देखता। रास्ता तो है ही ना डायलैपिडेटेड कंडीशन में, लेकिन ये स्ट्रेच जो है जे&के बैंक से आगे अजय ठाकुर के घर तक ये ड्रेन का, ये भी खस्ता हालत में कोई नहीं देख रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द ये स्ट्रेच ड्रेन का स्ट्रेच बनाएं और इसका ब्लैक टॉप कराएं ताकि लोगों को चलने में दिक्कत पेश ना आए। बहुत सारी जगहों पे फुटपाथ टूटा हुआ है। हाँ बहुत सारी वसीम साहब, बहुत सारी जगह पर फुटपाथ टूटा हुआ है, लेकिन इस तरफ भी कोई ध्यान नहीं देता। वजूहत क्या है, क्यों नहीं आपकी बात को सुना जा रहा है? क्या बात है, फिर हमने 2-3 बार इंटरव्यू भी लिया तो फिर न जाने क्या कसूर है हमसे, या सच बताना जुर्म है, झूठ बताएंगे तो उस पर अमल हो जाएगा, सच पर अमल नहीं होता। हम अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मौदबाना गुजारिश करते हैं कि इसकी तरफ जल्द अज जल्द ध्यान दिया जाए। चलिए कंसर्न महकमे को ये चीज़ देखनी चाहिए जिस तरह के हालात यहाँ पे हैं। आरएल जी आपका थोड़ा सा नाम जानूंगा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? तो मैं नागरिक है, रामलाल मेरा नाम है। तो कितनी दिक्कत इस रास्ते पे चलने से आ रही है? देखो दिक्कत तो ज़्यादा है, जब पानी आता है तो छींटें उड़ती हैं, ठीक है, प्लस उधर आगे जो है काली रोड के आगे वहाँ भी लुक निकल चुकी है, पूरा वो खड्डे बन रहे हैं। और क्या बताएंगे, भरत रोड से जो नगरी तक पूरा स्ट्रेच है इसमें खड्डे ही खड्डे देखने को मिलते हैं, फुटपाथ टूटा पड़ा है, तो क्या अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? देखो ना, एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करेंगे कि इसको देखो और इसको जल्दी मतलब लुक डाले, और बाकी जो उधर आगे लुक डाले तो वो भी निकल चुकी है, अब क्या बताएंगे आगे इसके आगे। तो कोई देखने वगैरह आता है यहाँ पे इसको? नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया है, अब आगे देखो क्या बनता है। क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से अपील? आप एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि जल्दी जल्दी से रोड को ठीक करें, क्योंकि रोड होगी तो तभी जनता चलेगी। बहुत सारे बच्चे इस रास्ते से गुजरते हैं और ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो जाती है, जब बच्चे आते हैं तो उस वक्त भी नहीं देखा था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होती है। देखा आपने हालात किस तरह के हैं, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, जो ही इस रास्ते से गुजरते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, अलग अलग स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह की कंडीशन जो है, जब आप इस रास्ते से भरत रोड से जब इस तरफ आप नगरी की तरफ जाएंगे तो अलग अलग जगहों पे आपको इस तरह के खड्डे देखने को मिलेंगे और ड्रेनेज सिस्टम किस तरह का है वो भी आप देख सकते हैं। अपील यही होगी कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन से और खास करके जो म्यूनसिपल काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनको भी देखना चाहिए, इस दिक्कत को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।